नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंडर आर्म्स के कालेपन को कैसे दूर करें। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि लोग कहीं भी जाते हैं हम जब बाज़ार में दोस्तों, या फिर कहीं खास करके लड़कियों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि उनको शॉर्ट ड्रेस पहनना होता है जिसमें कि बाजू ना हो, तो अंडर आर्म्स काले दिखते हैं। ये कई वजहों से हो सकता है दोस्तों। कई लोग अच्छे ढंग से सफाई नहीं करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है, या कुछ लोगों के स्किन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, कई वजहों से हो सकता है। लेकिन ये चाहते सभी हैं दोस्तों कि जो हमारे अंडर आर्म्स में कालापन है वो दूर हो जाए। तो आज हम इसी को दूर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगा दोस्तों। या फिर कई बार एक और हो सकता है इसमें प्रिकॉशन में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि जैसे क्या होता है, हम लोग बाजारू प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं या कुछ, तो इस वजह से भी ब्लैकनेस आ जाती है, काला हो जाता है अंडर आर्म्स। और ये खास करके जब आप कभी लड़के हैं तो बनियान में अगर आप खड़े हैं तो कहीं पे वो गंदा दिखता है, हाथ ऊपर जाता है तो ब्लैक रहता है। और खास करके आप अगर मॉडलिंग वगैरह करते हैं या पिक्स क्लिक होते हैं तो और बुरा लगता है। वैसे ही लड़कियों के लिए भी, वो बाजू वाले कपड़े अगर नहीं पहनती हैं उस वक्त में अगर अंडर आर्म्स दिखता है तो बहुत गंदा लगता है, ब्लैक दिखता है दोस्तों। तो इसको हटाने के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सस्ता और घरेलू नुस्खा है ये दोस्तों, उपाय है। करना क्या है आपको कि शहद लानी है, शहद में मिक्स करना है दोस्तों चीनी। जी हाँ दोस्तों, शहद के साथ साथ आपको चीनी मिक्स करना है। शहद और चीनी को उतना मिक्स कर लीजिए जितना कि आप अंडर आर्म्स पे लगा सकें। आप उतनी मात्रा में मिला लीजिए एक बाउल में, कप में, और उसको मिक्स करने के बाद अच्छे से लगा दीजिए अंडर आर्म्स पे। फिर उसे कुछ देर तक के लिए छोड़ दें दोस्तों, 15-20 मिनट। जब वो अंडर आर्म्स पे सूख जाए तब उसको 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद गर्म पानी से धो लें। इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आप बाज़ार से एक चारकोल यानी कि कोयला लेकर के आइए, कोयले का बुरादा बनाइए और उसमें शहद मिला लीजिए। अब क्या करना है आपको, उस शहद को और चारकोल के मिश्रण को वापस आपको अंडर आर्म्स में लगाना है। लगा करके फिर वहीं आधे घंटे तक छोड़ देना है। जब वो अच्छे तरीके से सूख जाए उसको फिर आप धो लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से देखेंगे कि आपके अंडर आर्म्स का कालापन यानी कि ब्लैकनेस धीरे धीरे दूर हो जाएगी दोस्तों। और आपको जो बाहर जाते हुए या कहीं सोशली आप बैठे हुए हों सामाजिक स्थान पे या कहीं भी, तो आपको जो शर्मिंदगी महसूस होती है कि हाँ मेरे अंडर आर्म्स में ब्लैकनेस है या ऐसा कुछ भी, वो दूर हो जाएगा दोस्तों। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कहीं भी जाएंगे तो इस प्रकार से आज का हमारा ये नुस्खा रहा दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, कुछ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।